जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, CICI PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। तो जैसे कि जानते हैं, कल हमने क्या किए थे, जो आपका क्लास वन ईडीएम फ्रेजेस संबंधित क्वेश्चन का किए थे, उसमें 10 क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग सेकेंड क्लास शुरू करेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन से हम करेंगे। ये क्या है, हम लोग जो SSC का जो प्रीवियस ईयर का जो EDMs है, उस EDMs को हम करा रहा है, ताकि आपका CICI PSI LDC एग्जाम में आपको अच्छा सा फ़ायदा हो। साथ में जो कोई दूसरा एग्जाम देते हैं जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत कारगर साबित है। ये क्लास को जैसे लास्ट तक देखिए, देखने के बाद आपको अच्छा लगने से लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको यही है, जैसे हमारे एक मतलब चैनल में एक पेड कोर्स चल रहा है, उस पेड कोर्स में आप जुड़ के बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देखिए ये नंबर में संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखिए, दो नंबर क्लास क्या बोल रहा है EDMs का, देखिए बोल रहा है कि ओनली बर्न ए होल इन द पॉकेट। अर्थात इसका मतलब है कि जैसे आपका एक पॉकेट है, एक शर्ट का पॉकेट है, उस पॉकेट में एक होल है और आप इसमें पैसा डालते जाएंगे तो क्या होगा, इस होल से पैसा निकल जाएगा, अर्थात इस पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा। इसका मतलब होता है शीघ्र खर्चा हो जाना, ठीक है। तो शीघ्र खर्चा हो जाने का मतलब हो गया गेट स्पेंट क्विकली, अर्थात बहुत जल्दी से खर्चा हो जाना। तो ये आपका 11 नंबर का आंसर हो गया। अभी देखिए दो नंबर का क्या है, मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन है प्राइस योर सेल आउट ऑफ द मार्केट। प्राइस योर सेल आउट ऑफ द मार्केट का मतलब होता है कि जैसे मार्केट में क्या है, कोई एक चीज़ है और उसको लेने के लिए बहुत सारा आदमी का डिमांड है, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं कि महंगाई हो जाना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जब कोरोना नया नया आया था तो हमारा जो इंडिया का मार्केट में सैनिटाइजर और मास्क का बहुत कमी पड़ गया था। तो उसमें क्या हुआ था, उस टाइम सैनिटाइजर और मास्क का बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो उसी चीज़ को क्या बोलता है, जब डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो क्या हो जाएगा, उस चीज़ का महंगाई बढ़ जाता है, अर्थात उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो प्राइस योर सेल आउट ऑफ द मार्केट, मगर इसका मतलब होता है बिकेम टू एक्सपेंसिव फॉर ए कस्टमर, अर्थात कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाना। तो 12 का जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिफ्ट फॉर देमसेल्फ। शिफ्ट फॉर देमसेल्फ का मतलब होता है कि घर गृहस्थी खुद चलाना, अर्थात देखिए इसका मतलब होता है कि मूव हाउस ऑन देयर ओन, अर्थात अपना घर को खुद से चलाना, दूसरे का ऊपर भरोसा नहीं करना, ठीक है। अभी देखिए 14 में क्या है, द ऑर्डर ऑफ द डे। तो देखिए ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है कि आम बात, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है कि एक आम बात है। तो आम बात का मतलब होता है जैसे आपका कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है। तो 14 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में क्या है, पेड ए बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। पेड ए बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पीछे से तारीफ करना, अर्थात देखिए कोई ऐसे आदमी है, जैसे आप कोई अच्छा काम किए है तो आपका सामने नहीं बोलेगा कि आपने अच्छा काम किए, मगर पीछे से आपका तारीफ करेगा, उसी चीज़ को क्या बोलता है, पेड ए बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब हो गया जो आपका 15 का ऑप्शन जो सी है, मेड एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट ऑफ प्रेज, अर्थात कन्फ्यूज में बात करना, ठीक है, कन्फ्यूज जैसा बात करना, ठीक है, मतलब बातों में कोई स्थिरता ना होना। अभी देखिए 16 नंबर में क्या है, हेल्टर एंड स्केल्टर। हेल्टर एंड स्केल्टर का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त, ठीक है, अर्थात जैसे आपका किसी एरिया में कोई बम ब्लास्ट हो गया तो वहाँ का आदमी क्या करेगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या बोल रहा है कि इन ए डिसऑर्डरली हेस्ट, जो आपका 16 का जो ऑप्शन बी है आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 17 में क्या है, बाय लीप एंड बाउंड। बाय लीप एंड बाउंड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होना या बहुत जल्दी से होना। तो इसका मतलब हो गया रैपिडली, जो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए अभी आपका 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्कुलियन टास्क। तो हार्कुलियन टास्क का मतलब होता है
ये देखिए हरकुलियन क्या है, एक ग्रीक मैथोलॉजिकल आपका ये इडियम्स है। ये हरकुलियन एक राजा था, इसको क्या ये जब पराजित हो जाता है तो इसको दास बना लिया जाता है, और ये जो काम करता था बहुत मेहनत का काम करता था, तो इसका मतलब हो गया कि मुश्किल कार्य, ठीक है। ये हरकुलियन टास्क का मतलब होता है कि मुश्किल कार्य, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन सी है कि ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, अर्थात एक काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना, अर्थात बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। तो ये 18 का हो गया। अभी देखिए 19 का क्या है, बोला गेट द सिक मतलब होता है किसी को डिसमिस कर देना, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, गेट द सिक, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका गेट द सिक का मतलब, अर्थात किसी को बर्खास्त कर देना, ठीक है, जो हिंदी लैंग्वेज में बोलेंगे। अभी देखिए 20 का क्वेश्चन क्या है, 20 का है बोल रहे पुट अप विथ का मतलब क्या है। पुट अप विथ का मतलब होता है जैसे, देखिए मतलब जैसे सहन कर लेना, किसी को सहन कर लेना, जैसे बोल सकता है आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हर इंसॉलनेस, ठीक है, कि इसका मतलब मैं उसको ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो इसका पुट अप विथ का मतलब हो गया सहन करना। तो सहन करना मतलब चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा, जो एंड्योर आपका ऑप्शन ए, इसका मतलब होता है सहन करना। अभी देखिए उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है, इन ए टाइट कॉर्नर का जैसे मतलब आपको मैं बताऊंगा, तो जैसे मुश्किल परिस्थिति में होना, अर्थात मुसीबत का स्थिति में होना, अर्थात ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। अभी क्या है आपके लिए है, ये हो गया आपका टाइट कॉर्नर। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाइल्ड गोस चेज का मतलब हो गया जैसे बेकार की तलाशी करना, अर्थात आपको ज़रूरत ही नहीं था फिर भी अपने उस कार्य को कर रहे हो, तो बेकार की तलाशी करना, अर्थात ए वाइल्ड गोस चेज, इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब आपका फ्यूटाइल साथ, जो आपका ऑप्शन बी है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आज क्या था, जैसे पिछला हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या किए थे, 10 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद आप लोगों को मैं बोला था कि व्यूज ज़्यादा होने से मैं क्वेश्चन का संख्या बढ़ाऊँगा या करने में अच्छा लगता है, तो आप लोग उसी बात को हिसाब से आप लोग अच्छा सा किए, तो मैंने क्या किया 2 क्वेश्चन को बढ़ा दिया। तो ऐसे ही आप लोगों का व्यूज़ कंटिन्यू रहेगा तो हम क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, और व्यूज़ बिल्कुल कम रहेगा तो हमने क्या करेंगे, कम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को अच्छा लगने से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।